हेलो एवरीवन, आज मैं आपको एनिमे स्टाइल वाली फ़ोटो एडिटिंग करके दिखाऊंगा। तो चलिए पिक्सार्ट ओपन कर लेते हैं। बीच में प्लस वाले आइकन पर टैप करेंगे, एडिट अ फोटो में जाकर वाइट बैकग्राउंड सेलेक्ट कर लेंगे। टूल्स में जाएंगे, क्रॉप में और 16:9 सेलेक्ट कर लेते हैं। स्क्रॉल करके ड्रॉ के ऑप्शन में जाएंगे, ऐड ऑब्जेक्ट्स में जाकर फोटो में जाएंगे और ग्रास वाली इमेज को ऐड कर लेते हैं। इसकी साइज को इंक्रीज कर लेते हैं। लेयर पे टैप करेंगे, प्लस में जाकर एम्प्टी लेयर ऐड करेंगे। इसे ग्रास वाली इमेज के नीचे ले आएंगे। फिल के ऑप्शन में जाकर ब्लैक कलर चूज कर लेते हैं। ग्रास वाले लेयर में जाएंगे और इसकी ब्लेंडिंग मोड को मल्टीप्लाई कर लेंगे। दोनों लेयर को मर्ज कर लेंगे। अब ब्रश में जाएंगे और ब्लैक कलर चूज कर लेते हैं। इसे नीचे से पेंट कर लेंगे। हो जाने के बाद इसे मर्ज करके सेव कर लेते हैं। फिर से प्लस में जाकर एडिट अ फोटो में जाएंगे और वाइट बैकग्राउंड ऐड कर लेंगे। टूल्स में जाएंगे, क्रॉप में और नीचे स्क्रॉल करके पोर्ट्रेट सेलेक्ट कर लेंगे। ऐड फोटो में जाकर ग्रास वाली फोटो को ऐड करेंगे जिसे हमने अभी एडिट किया था। लेयर में जाएंगे और इसकी डुप्लीकेट बना लेंगे। एफएक्स में जाकर ब्लर पे टैप करेंगे और इसकी इंटेंसिटी 6 रख लेंगे। अब हम ब्लेंड में जाकर मल्टीप्लाई कर लेंगे। मैथ्स वाला मल्टीप्लाई नहीं, एडिटिंग वाला। और डन पे टैप कर लेते हैं। फिर से ऐड फोटो में जाएंगे और स्काई को ऐड कर लेंगे। इसे कैनवास के साइज का कर लेंगे। ब्लेंड में जाकर इसे भी एडिटिंग वाला मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब एडजस्ट में जाएंगे, टेम्परेचर को -60 रखेंगे इसे कूल टोन देने के लिए, और शेडोज को +50 के आसपास रखेंगे। पहले की तरह फिर से ऐड फोटो में जाकर रेलवे फाटक को भी ऐड कर लेते हैं। एडजस्ट में जाएंगे, इसे डार्क करने के लिए ब्राइटनेस -70 रखेंगे, क्योंकि शेडोज -50 रख कर डन करेंगे। इरेज वाले आइकन पे टैप करेंगे और इसे नीचे से इरेज कर लेते हैं। इसी तरह स्टार्स को भी ऐड कर लेते हैं। इसकी ब्लेंडिंग मोड को स्क्रीन नहीं स्क्रीन रखेंगे। इरेज में जाकर इसे भी कुछ पार्ट से इरेज कर लेंगे, स्पेशली मून। एडजस्ट में जाकर कॉन्ट्रास्ट +21 और सेचुरेशन -100 रख के डन करेंगे। अब गिरते हुए मेट्रियोर को भी ऐड कर लेते हैं। इसकी ब्लेंडिंग मोड को स्क्रीन रखेंगे और इसकी साइज अपने स्वाद अनुसार रख लें। अब ऑब्जेक्ट को ऐड करने का समय आ गया है।
क्रॉप में टैप करेंगे और इसे क्रॉप कर लेते हैं, जिससे हमें बैकग्राउंड इरेज करने में टाइम कम लगेगा। इरेज वाले आइकन पे जाकर इसकी कटआउट कर लेते हैं। वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब। अब हम एडजस्ट में जाते हैं, ब्राइटनेस -20, शैडोज +10 और टेम्परेचर -25 रख कर डन कर देंगे। इसे एनिमे लुक देने के लिए एफएक्स में जाएंगे, आर्टिस्टिक में जाकर ऑयल पेंटिंग सिलेक्ट करेंगे और इसकी अमाउंट 10 रख कर ऊपर मर्ज वाले आइकन पर टैप करेंगे। अब पोस्टर सिलेक्ट करेंगे, कलर्स 100, डिटेल्स 100 और फेड 50 रख कर डन कर देंगे। फिर से ऐड फोटो में जाकर लाइट फ्लेयर वाली इमेज को ऐड कर लेते हैं। हो जाने के बाद फोटो को गैलरी में सेव कर लेंगे। अब हम असली वाला जादू करेंगे, फ्रॉम दिस टू दिस, सो फॉलो मी।